Good afternoon, everyone. Now I'll be discussing about the maintenance and rehabilitation for flexural pavements, especially for rural roads. Now, as we know, the old saying that a stitch in time saves nine. That means you have to maintain the pavement the moment you see any distress. And this is also true for the road maintenance also, that a stitch in time saves nine. That means if you do not maintain the pavement at the right time, you'll have to maintain it or even upgrade it, rehabilitate it at a later stage, but with enhanced costing, with more improved or more better treatments, but the costing would be more higher. So what is the importance of road maintenance? Why do we require road maintenance? It reduces the deterioration of the pavement. It improves the life of the pavement. It also lowers the vehicle operating cost. If you have a very rough pavement, obviously your vehicle operating costs are going to be very higher. On a pavement which is distressed, which is already deteriorated, the VOC costs will be higher. It also reduces your accidents. So it is also important from the road safety point of view also, because you must have seen in the news articles, many news they come up that because of potholes, so many road accidents have happened. And road condition is one of the parameters which causes accidents. So if you maintain your road, if you put them in a good condition, so that is also going to be helpful in reducing the accidents. और दूसरा एक जो है हमारा कॉस्ट सेविंग भी होता है. अगर आपने राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट कर दिया तो बाद में आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है. अभी मैं भूल गया था, एक्चुअली हिंदी में बोलना है, सो नाउ आई विल ट्राई टू मोर इन हिंदी. सो पेमेंट डिटेरियोरेशन, हमारी सड़क ख़राब क्यों होती है, क्यों डिटेरियोरेट होती है? इट डिटेरियोरेट्स विद टाइम ड्यू टू कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रैफिक लोड्स इन एनवायरमेंट. आपका जो ट्रैफिक लोड है, जो उस पर गाड़ियाँ चलती हैं, जो उस पर ट्रक चलते हैं, उनकी वजह से विद टाइम वो डिटेरियोरेट होती है. एंड ऑल्सो रोड इज एक्सपोज टू एनवायरमेंट. जो सड़क है वो खुले में है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पर वर्क करते हैं. इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट, इट इज़ एक्सपोज टू रेनफॉल, इट इज़ एक्सपोज टू अदर पैरामीटर्स. सो उसकी वजह से जो है वो रोड ख़राब होती है और अल्टीमेटली वो उसमें कुछ डिस्ट्रेसेज आने लगते हैं. शायद क्रैकिंग होगा, आ जाइए प्लीज़, क्रैकिंग होगा, पॉट होल्स होगा, तरह तरह के डिस्ट्रेसेज जो हैं उसमें मैनिफेस्ट होते हैं. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रैफिक एंड एनवायरमेंट. ऑल्सो जो हमारे शोल्डर्स हैं, जो रोड के शोल्डर्स हैं, जो इवन साइड ड्रेन्स हैं, वो भी डिटेरियरेट होती हैं विद टाइम. सो हमें उनको भी मेंटेन करना ज़रूरी है. इसलिए रोड की मेंटेनेंस पे ध्यान देना या अटेंशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रोड. ये मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी पेमेंट को हम परपैचुअल डिज़ाइन नहीं कर सकते. कोई भी रोड परपैचुअलिटी नहीं रहती. मतलब जैसे ह्यूमंस एज करते हैं, हम जन्म होता है और विद एज, विद टाइम वी एज. इन द सेम वे पेमेंट्स भी एज होती हैं विद टाइम. अगर पेमेंट पे कोई ट्रैफिक ना भी चले, आपने एक सड़क बना दिया और उस पर कोई ट्रैफिक नहीं चलता है, तो भी क्या वो हमेशा परमानेंट रहेगी? उस पर कोई डिस्ट्रेसेस नहीं आएंगे? उस पर डिस्ट्रेसेस आएंगे बिकॉज इट इज़ एक्सपोज टू एनवायरमेंटल वेरिएबल्स. एनवायरमेंट उस पर हमेशा वर्क कर रहा है. सो आपकी कोई भी रोड परमानेंट नहीं रहेगी. इट गेट्स एज इवन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, रादर इट गेट्स एज सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ देयर. सो मेंटेनेंस का अगर हम ब्रॉड डेफिनेशन देखेंगे, सो मेंटेनेंस में क्या इंक्लूड होता है? बेसिकली वो एक्टिविटीज दैट आर यूज टू अपकीप द पेमेंट एंड इट्स फैसिलिटीज, शोल्डर्स एंड अदर फैसिलिटीज. सो वो सारे इंटरवेंशंस, वो सारे एक्टिविटीज़, ये सारे जो टास्क हम करते हैं टू मेंटेन द पेमेंट इन गुड कंडीशन, और उसके शोल्डर्स, रोड फर्नीचर, उन सबको भी मेंटेन करना पड़ता है, साइड ड्रेन्स, उन सबको भी प्रोवाइडेड फॉर रोड यूजर्स टू कीप देम इन एज गुड कंडीशन और एज बेस्ट कंस्ट्रक्टेड कंडीशन. जिस तरह की वो रोड बनाई गई थी उसी कंडीशन में रखने के लिए जो सारी एक्टिविटीज, जो सारे इंटरवेंशंस टाइम टाइम पे किए जाते हैं, वो सारे हम किसकी डेफिनेशन में लेते हैं? मेंटेनेंस के टर्म में. और ये एसेंशियल है टू गेट दी ऑप्टिमम सर्विस, क्योंकि रोड हमें सबसे बढ़िया सर्विस तभी देगी जब उसकी कंडीशन अच्छी है. अगर एक रोड डिटीरियोरेट है या उस पर कुछ डिस्ट्रेसेस हैं, उसमें क्रैकिंग है, पॉट होल्स हैं, तो एक रोड से आपको अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी. मेंटेनेंस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द पेमेंट कंडीशन. ऑब्वियसली आपको रोड को मेंटेन करने में इट हेल्प्स यू अलॉट. एंड इट रिक्वायरमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द पेमेंट. जो लोकल मटेरियल है, लोकल सॉयल है, टाइप ऑफ द पेमेंट, उन सब पे ये सारी पैरामीटर्स डिपेंड करेंगे कि आप किस तरह अपनी रोड को मेंटेन करेंगे. डिफरेंट तरह के जो मेंटेनेंस होते हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर डिफरेंट कैटेगरीज. ब्रॉडली हम चार कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं. रूटीन मेंटेनेंस, जो मतलब हमें डेली या ऑन अ टाइम बेसिस हमें करते रहना है. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कुछ बड़ा डिस्ट्रेस आने से पहले हम उसमें एक्शन लेते हैं कि हमें बाद में
एक मेजर मेंटेनेंस ना करना पड़े तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पीरियोडिक मेंटेनेंस, कुछ कुछ टाइम के बाद, हम 5 साल के बाद उस पर रिन्यूअल कोड करते हैं या 7 साल के बाद, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेमेंट, हम उस पर कुछ रिन्यूअल कोड करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, या वो सारी चीज़ें जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस। और कुछ हम करते हैं स्पेशल या इमरजेंसी रिपेयर्स, जो कुछ कुछ कंडीशंस में हमें करने पड़ते हैं, जो विच आर नॉट इनिशियली फोरसीन, बट वो बिकॉज ऑफ इमरजेंसी रीजंस या कुछ स्पेशल रिपेयर्स हमें करने पड़ते हैं। नाउ रूटीन मेंटेनेंस में क्या क्या आता है? इट इज़ बेसिकली डन बाय द मेंटेनेंस स्टाफ ऑन अ रेगुलर बेसिस थ्रू आउट द ईयर। आपकी जो एक्टिविटीज में आती हैं, बेसिकली इट इज़ लाइक फिलिंग ऑफ द पॉट होल्स। जैसे आपको गड्ढा दिखाई दिया, आपने उसको पैचिंग करके उसको भर दिया, टू रिपेयर ऑफ द शोल्डर्स एंड साइड स्लोप्स, इनको रिपेयर करना रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कीप ऑन डूइंग दिस। आपको ड्रेन्स क्लियर करनी पड़ती हैं सो दैट द वाटर कैन बी ड्रेन्ड ऑफ क्विकली फ्रॉम द सरफेस। आपको कलवर्ट्स या उसमें अगर कुछ ग्रास या कुछ और प्लांटेशंस हो गए हैं तो उसको रिमूव करना पड़ता है। रिमूव डेब्रिस फ्रॉम रोडवे एंड ड्रेन्स, कट ग्रास एंड बुशेज, मेंटेन रोड साइनेजेस एंड प्रिवेंट मार्किंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रोड सेफ्टी। सो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वो सारी मैंने इंक्लूड नहीं करी है, बट ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, उसको हम बेसिकली कंसिडर करते हैं अंडर रूटीन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? बेसिकली इट इज़ टू इम्प्रूव और एक्सटेंड द फंक्शनल लाइफ ऑफ पेमेंट। आपकी जो पेमेंट की फंक्शनल लाइफ है, आपको उसको इम्प्रूव करना है व्हेन इट इज़ स्टिल इन गुड कंडीशन। सो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है, वो आपका आप डिफर कर सकते हैं, कि जहाँ पे आपको 4 साल बाद कुछ कोटिंग करना था, ओवरले डालना था, वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 की जगह आप 6 साल बाद या 7 साल बाद आप उसको डालेंगे। पीरियोडिक मेंटेनेंस में वो एक्टिविटीज़ आती हैं विच आर नॉट ऑफ रूटीन नेचर एंड दे आर टेकन अप एट अ सर्टेन पीरियोडिक इंटरवल। कुछ 5 साल के बाद आपने उस पर रिन्यूअल कोट किया या कुछ ओवरले डाला, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो आती हैं वो हमें हम इंक्लूड करते हैं अंडर पीरियोडिक मेंटेनेंस टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द रोड कंपोनेंट्स। एंड वन सच पीरियोडिकल एक्टिविटी इज़ द रिन्यूअल ऑफ वियरिंग कोट्स। जो आप वियरिंग कोट्स है, अगर वो उसमें वियर एंड टीयर हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो आप उसको 5 साल के बाद या 7 साल के बाद, बेस्ड ऑन द टेन्योर, आप उसको रिन्यू करते हैं। एंड नॉर्मली ऑन रूरल रोड्स इट मे बी रिक्वायर्ड इन 5 to 7 years। पहले हम पीरियोडिसिटी के बेसिस पे करते थे, बट अभी जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ द पेमेंट। हम बेस्ड ऑन कंडीशन रेटिंग आजकल ये सारे काम किए जाते हैं। और स्पेशल रिपेयर्स और इमरजेंसी वर्क्स में देर आर सर्टेन डैमेजेस विच माइट अकर बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट्स और बिकॉज ऑफ सम रिपेयर्स विच आर नीडेड विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर रूटीन मेंटेनेंस, तो हम अलग कैटेगरी में करते हैं, जिसे हम स्पेशल रिपेयर्स बोलते हैं। इमरजेंसी वर्क्स, कभी कभी कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, कभी लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से रोड अगर डैमेज हुई है तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ता है, तो वो सब इंक्लूड करते हैं हम लोग अंडर इमरजेंसी वर्क्स। सो दिस इज़ बेसिकली दी इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ अ पेमेंट गेट्स डिटीरियोरेटेड। इनिशियली आपका पेमेंट का सरफेस बहुत अच्छा है, बट एज द पेमेंट एजेस, मतलब जैसे जैसे पेमेंट पुरानी होती जाती है, तो उसमें क्या आपका पेमेंट में डिटीरियोरेशन होना चालू होता है, और आपका पेमेंट का जो कंडीशन है या परफॉर्मेंस है, वो ख़राब होने लगती है। सो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब पेमेंट की कंडीशन अच्छी है, तभी आप उसमें कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर ले, सो दैट यू कैन डेफर द डिटीरियोरेशन ऑफ द पेमेंट, एंड आप इवन पीरियडिक मेंटेनेंस को भी डिफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम से नहीं करेंगे, इफ़ यू डू नॉट डू द राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम, तो होगा ये कि आपको कॉस्टली ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे एट अ लेटर स्टेज। तो कुछ डेटा मेरे पास है विच टेल्स दैट इफ़ यू डू नॉट डू अ रूटीन मेंटेनेंस, देन लेटर ऑन यू हैव टू डू अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दैट कैन बी इवन 10 times कॉस्टलियर। अगर आपने पीरियोडिक मेंटेनेंस भी नहीं किया, 5 साल के बाद स्ट्रेंथ ओवरले करना था बट आपने ओवरले नहीं किया, देन एट अ लेटर स्टेज यू माइट हैव टू इवन गो फॉर बिगर ओवरले, देन दैट कैन बी इवन 3 times कॉस्टलियर। एंड अगर आपने स्ट्रेंथन नहीं किया टाइम से, तो आपको कई बार रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, दैट वुड बी इवन मोर एक्सपेंसिव, दैट कुड बी इवन 15 times एक्सपेंसिव देन योर नॉर्मल मेंटेनेंस। सो बेसिकली द आइडिया इज दैट यू हैव टू प्रोवाइड द राइट ट्रीटमेंट, और यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। जब रोड कंडीशन में है कि आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको स्ट्रेंथ आप उस पर ओवरले डाल के रिन्यू कर सकते हैं, तो राइट डिसीजन लीजिए ऑन द राइट टाइम। बट ऑब्वियसली दिस इज ऑल डन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स एंड द फाइनेंसिस। सो पेमेंट में जो डिफरेंट डिस्ट्रेसेस होते हैं मोस्टली इन द बिटुमिनस पेमेंट, वो डिस्ट्रेसेस बेसिकली इन द 3 broad categories डिफाइन किए गए हैं एज पर IRC 82।
फर्स्ट इज द फ्रैक्चर वेयर इन यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैक्स, जो पेमेंट में डिफरेंट डिफरेंट क्रैक्स डेवलप होते हैं. दूसरा है डिसइंटीग्रेशन, जहाँ पे आपका रेवलिंग होता है या पॉटहोल्स डेवलप होते हैं. एंड थर्ड इज द डिफॉर्मेशन, विच इज बेसिकली रटिंग, शोविंग या अपहीवल. सो क्रैकिंग की अगर बात करेंगे तो क्रैकिंग में बहुत सारी टाइप की क्रैकिंग नॉर्मली बिटुमिनस पेमेंट्स में देखने को मिलती है, जिसमें इट कैन बी अ फटीग क्रैकिंग, इट कैन बी अ थर्मल क्रैकिंग विच इज बेसिकली इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इट कैन बी ब्लॉक क्रैकिंग, एज क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग, और इट कैन बी क्रैकिंग बिकॉज ऑफ द स्लिपेज. सो फटीग क्रैकिंग या एलिगेटर क्रैकिंग जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिपीटेड लोड एप्लीकेशन. अगर आपकी पेमेंट की स्ट्रेंथ या पेमेंट का थिकनेस प्रॉपर नहीं है, तो बिकॉज ऑफ द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड ट्रैफिक आपकी पेमेंट में फटीग क्रैकिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग, बिकॉज इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ एन एलिगेटर. एलिगेटर का हिंदी हो गया घड़ियाल. तो घड़ियाल की जो स्किन होती है, उस पर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, उस तरह का अगर आप देखेंगे तो इस तरह की जो क्रैकिंग डेवलप होती है, इसको हम बोलते हैं फटी क्रैकिंग या एलिगेटर क्रैकिंग. एंड ये जो होती है, इसका कारण है बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ. आपकी पेमेंट में स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ डिज़ाइन इशू, कि आपका जो पेमेंट का डिज़ाइन टोटल जो किया गया था, जितने ट्रैफिक के लिए किया गया था, उतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं है. दूसरा, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ पेमेंट लाइफ, और इट कैन बी बिकॉज ऑफ द टू हैवी लोड्स. बहुत ज़्यादा हैवी ट्रक्स उस पर चल रहे हैं, उसकी वजह से भी ये फटी क्रैकिंग होता है. और इसका क्योर क्या है, आप इसको रिमूव कीजिए और मिल करके इसको रिसाइकिल करके आप वापस से ओवरले कर सकते हैं. दूसरा है थर्मल क्रैकिंग. थर्मल क्रैकिंग जो होता है, दैट इज मोस्टली इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल में नहीं होता है. ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब अक्रॉस द विड्थ ऑफ द पेमेंट जो क्रैकिंग होता है, उसको हम थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ पेमेंट विद चेंजिंग टेम्परेचर. जहाँ पे लो टेम्परेचर एरियाज होते हैं, वहाँ पे आपको मोस्टली दिखाई देगा कि इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन वो क्रैकिंग मोस्टली होता है. और इसका क्योर है कि आप क्रैक फिलिंग करेंगे, या तो ऑब्वियसली जहाँ पे क्रैक हुआ है उसको आप सील कर दीजिए, या फिर आप रिक्लेमेशन करेंगे, या फिर प्रोवाइड अ थिक ओवरले. ब्लॉक क्रैकिंग जो है, ब्लॉक क्रैकिंग और फटी क्रैकिंग में डिफरेंस है कि बेसिकली यहाँ पे जो ब्लॉक्स होंगे वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होंगे, और जो फटी क्रैकिंग में था वहाँ पे छोटे साइज़ के, विच रिजेंबल्स बेसिकली द स्किन ऑफ एन एलिगेटर. सो ब्लॉक क्रैकिंग जो होता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द हाई एयर वॉइड्स कंटेंट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव हार्डनिंग. जो आपका बिटुमन है उसकी एजिंग हो गया, वो हार्ड बिटुमन है, वो सही नहीं था इसलिए उसको यूज़ किया, उसकी वजह से भी हो सकता है. एंड कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ दी थर्मल क्रैकिंग. सो क्योरिंग है इसका कि आप क्रैक फिलिंग करेंगे या सील कर दीजिए, या आप इस पर एक सील कोट डाल दीजिए, या फिर आप इसको ऑब्वियसली रिसाइकलिंग करके आप एक ओवरले भी दे सकते हैं. रिफ्लेक्टिव क्रैकिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके नीचे लेयर में क्रैक है, अगर आप उसके ऊपर एक लेयर डालेंगे तो वो क्रैकिंग जो है सेम की सेम क्रैकिंग पैटर्न जो है ऊपर की लेयर में रिफ्लेक्ट करती है. तो इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं CTSB, जैसे हमने किया, तो CTSB में अगर आपका सीमेंट कंटेंट ज़्यादा है तो क्या होता है, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स जो डेवलप होते हैं, तो हम एक सेमी लेयर देते हैं. अगर आप सेमी लेयर नहीं देंगे, सेमी लेयर या क्रैक रिलीफ लेयर, जो कि उन क्रैक्स को ऊपर की लेयर में रिफ्लेक्ट करने से रोकती है, अगर आपने सेमी लेयर या क्रैक रिलीफ लेयर नहीं दिया है इन केस ऑफ अ स्टेबलाइज पेमेंट, तो आपका क्या होगा कि क्रैक्स जो है लोअर लेयर के, वो अपर लेयर में रिफ्लेक्ट करते हैं. सो इसका जो रेमेडी है, बेसिकली आइदर यू डू क्रैक फिलिंग और यू डू रिपेयर, और यू कैन प्रोवाइड अ स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन इंटर लेयर आप देंगे, एंड देन यू प्रोवाइड अ ओवरले ऑन टॉप ऑफ इट. स्लिपेज क्रैकिंग, बहुत बार इस तरह के क्रैक्स दिखाई देते हैं विच आर ऑफ द यू शेप, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे टर्निंग एक्शन होता है या जहाँ पे ब्रेकिंग एक्शंस होते हैं, बिकॉज ऑफ द मिक्स मूविंग यू विल सी दैट सच टाइप ऑफ क्रैक्स वुड अपीयर. सो दिस कैन बी बिकॉज ऑफ पुअर बॉन्डिंग बिटवीन द एसफॉल्ट सरफेस एंड द अंडरलाइंग लेयर. जो आपका ऊपर का एसफॉल्ट सरफेस है और जो नीचे का लेयर है, उसके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है, एंड दैट कुड बी बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट टैक कोट दैट इज गिवन. सो उसका क्योर यही है कि आप इसको आइदर सील कर दीजिए, और अदरवाइज यू कैन डू अ रिसाइकलिंग ऑल्सो. पेमेंट डिफॉर्मेशन, दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्रैक विच हैपन्स, जो हमने देखा होगा बहुत बार चैनलाइज रट्स बन जाते हैं इन अ पेमेंट. तो ये चैनलाइज रट्स बनते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आइदर रटिंग और परमानेंट डिफॉर्मेशन. दिस इज बेसिकली इट कैन बी बिकॉज ऑफ लो एयर वॉइड्स, और वेन द बिटुमन कंटेंट इज टू हाई, इट कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ राउंडेड एग्रीगेट्स विच आर बींग यूज, और इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फाइन पार्टिकल्स और एक्सेसिव डस्ट दैट हैज बीन यूज. तो इस तरह से हम उसको बेसिकली रट डेप्थ मेजर करते हैं, एंड वट एवर इज़ द टोटल रट डेप्थ, उतना हम उसको रिप्लेस करके, मिल करके आप उसको वापस से रिसरफेस कर सकते हैं. ब्लीडिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका एक्सेस बाइंडर है वो
It comes on the top of the surface and you will see a film of binder. इसमें नहीं दिखाई दे रहा है. You can see that black film or shiny surface which is on the surface of the wearing coats at top layer में. So this is normally because that you have very high asphalt content, or high asphalt can be because of a wrong mix design that has been done, or it can be because of the voids are not properly done, or it can be because of a when prime coat and tech coat that is heavily applied, that could also be a reason. So iska curing kya hai? Basically curing kuch nahi hai. Normally we provide a sand on the top of it, or otherwise we can provide a micro surfacing as a curing. पॉलिश्ड एग्रीगेट्स, अभी हमने एग्रीगेट्स की लेक्चर सुना जिसमें था कि एग्रीगेट्स में हम लोग टेस्ट करते हैं कि बिकॉज ऑफ दी वियरिंग एक्शन ऑफ टायर्स बहुत बार एग्रीगेट्स पॉलिश्ड हो जाते हैं. अब पॉलिश्ड एग्रीगेट्स होने से क्या नुकसान है? इट इज़ अ सेफ्टी हैजार्ड. आपका एग्रीगेट्स अगर पॉलिश्ड हो गए हैं, इट विल नॉट प्रोवाइड यू गुड फ्रिक्शन. सो उस केस में आपको प्रॉब्लम रहेगा. इट इज़ बिकॉज अ सेफ्टी इशू. सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट एग्रीगेट्स और बिकॉज ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक. So the curing, like you provide a seal coat or you provide a micro surfacing on top of it. Reveling is another type of distress that normally happens. It is because of the when the loose particles of aggregates, they come out from the surface of the bituminous layer, and it is because that the binder is unable to hold the aggregate particles in its place. So reasons could be like dusty aggregates, it could be segregation, low density, proper compaction is not done, or your binder is not good, it has already aged, it is a hardened binder, so there was not proper bonding between the aggregates and the bitumen, and it could be also because the aggregate was not of good quality and had stripping issues. So curing, again you can provide a seal coat, micro surfacing, or you can provide a thin overlay on the top of it. So reveling is basically when your loose particles, एग्रीगेट के जो लूज पार्टिकल्स हैं, दे कम आउट फ्रॉम द सर्फेस, एंड दिस इज बिकॉज कि बाइंडर जो है वो प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाया उन एग्रीगेट पार्टिकल्स को इन इट्स प्लेस. सो रीजन्स कुड बी दैट यू हैड द डस्टी एग्रीगेट्स, यू हैड सेग्रीगेशन, आपका जो सेग्रीगेशन हो गया, इट कुड बी बिकॉज द कॉम्पैक्शन वॉज नॉट प्रॉपर, सो यू हैड लो डेंसिटी. सो अगर प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं है तो एग्रीगेट पार्टिकल्स बाहर आते हैं. ऑल्सो योर बाइंडर हैज़ हार्डन्ड, एज हो गया, तो उसका जो बॉन्डिंग capacity tha that has reduced, so there was not proper bonding between the aggregates and the bitumen, and the aggregates were stripping prone. So uske beech mein jo bond tha, wo bond break ho gaya, and the aggregate particles they start coming out from the surface. So curing could be you provide a seal coat, or you provide a micro surfacing on top of it, or you can do a thin overlay. Potholes bahut common hai ki hum log नॉर्मली देखते हैं कि सड़क पे गड्ढे बन जाते हैं, तो जब भी गड्ढे बनते हैं तो इमीडिएटली वी हैव टू रिपेयर एंड रेक्टिफाई इट. सो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ रेवलिंग ऑफ एग्रीगेट्स. होता क्या है कि हाउ इट स्टार्ट्स, बेसिकली योर एग्रीगेट्स स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस एंड अल्टीमेटली दे विल रिजल्ट इन टू विद मोर एक्शन ऑफ ट्रैफिक, मोर एग्रीगेट पार्टिकल्स वुड कम आउट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट अल्टीमेटली दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉटहोल. इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ मॉइस्चर डैमेज. मॉइस्चर डैमेज बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जो पानी की उपस्थिति में आपका जो एग्रीगेट पार्टिकल्स हैं उनका जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होता है. इफ़ द एग्रीगेट पार्टिकल्स आर ससेप्टेबल टू मॉइस्चर डैमेज, या उनमें स्ट्रिपिंग का थोड़ा सा भी दे आर प्रोन टू स्ट्रिपिंग, तो ये चांसेस और भी बढ़ जाते हैं. एंड ऑल्सो इट कुड बी बिकॉज द लेयर डिड नॉट हैव अ सफिशेंट स्ट्रेंथ. सो इसको हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये पॉटहोल्स आप देख रहे हैं कि बनते हैं, तो इमीडिएटली यू हैव टू गो एंड patch those potholes immediately, because these are again a big issue. Or सबसे ज़्यादा highlight यही होते हैं कि सड़क पर गड्ढे बन रहे हैं, so and the government is not doing or the agency is not doing anything. So जैसे ही pothole बनते हैं, they are part of routine maintenance that you have to regularly maintain and patch those potholes. Repair कैसे करना है, obviously you have to cut them in a vertical shape में काटना है. Potholes normally they'll be in a irregular shape भी हो सकता है कभी कभी, so you have to cut them in a rectangular shape. Sides को vertical कीजिए properly, आप उस पर tack coat spray करेंगे, and then you fill this material with either the premix, or there are even pothole patching materials are also available. And these days lot many pothole repairing machines are also available, so you can use those machines also. If you search on Google, even CRI has also developed, like yesterday Siksha showed you that there was a pothole patching machine that we at CRI we have developed.
and that was inaugurated by our minister Shri Gadkari ji recently, like I think 6-7 months back only. He visited CRA and he inaugurated that machine. So we also have a machine. Otherwise there are many pothole repairing machines are available in the market also. There are different techniques of repairing because it is a basically equipment, so people have developed different techniques. So there is one we have, then there is another AEW is one which is also providing a pothole patching machine. There is a jet patcher, and there is some where you can do a patching by infrared heating. So they have this big panels and they heat the your bitumen road and then they patch the road. So but that for that you require a bigger surface area, but this jet patcher and the equipment that that was developed by CRI, they are good candidate wherein they can be used. And if you think of more innovation, like these exact locations of these potholes can be identified through, I am not sure like how much NSV would be effective in rural roads, but for highways this can be done for sure. Like you have the exact GPS location, once you do the NSV survey you know how many potholes are available in what location, and then these machines can be sent to exact those locations and this can be, this work can be optimized. So abhi aap logon ne suna hoga na ki bahut sari governments ne bola hai, even NHAI ne bhi bola hai ki hum ek mahine mein sare gadde bhar denge. So it is considered to be impossible task, but using this innovation, this technology, this can be done, provided like you put in place the right technology and right अप्रोच. सो इसका क्योर जो पॉट होल्स होते हैं इसका इमीडिएटली क्योर है कि यू हैव टू इमीडिएटली डू द पैचिंग एंड फिक्स दीज पॉट होल्स, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर ये पॉट होल को भरा नहीं तो इट इज़ गोइंग टू डैमेज, आपका ऊपर का सरफेस जाएगा, पानी भर जाएगा, इट इज़ गोइंग टू डैमेज दी लोअर लेयर्स ऑल्सो. सो वन हैज़ टू रेक्टिफाई दीज पैचेज इमीडिएटली. So these were some of the distresses that you normally see, and these are taken up accordingly, like some are taken up during routine maintenance and some are during the periodic renewals. So pehle jo hum log karte the as per even rural roads manual also, that you have to do a periodic renewals, that is defined like after 5 years or after 7 years aapko ek renewal quote us pe karna hai. But abhi jo thoda sa scenario change hua hai ki hame based on the condition of the pavement, because you have a very big network, तो कुछ रोड पे हो सकता है कि कंडीशन बहुत अच्छी हो, 5-7 साल पुरानी हो गई है, बट दे डू नॉट रिक्वायर एनी मेजर रिन्यूअल कोट, है ना. और कुछ रोड हो सकता है कि जहाँ पे कंडीशन ख़राब है तो दे इमीडिएटली रिक्वायर दी रिन्यूअल कोट, और उनका उस पर रिन्यू करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ मोर और लेस बेस्ड ऑन दी कंडीशन ऑफ द पेमेंट, कि आपका कंडीशन कैसा है उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो पैसा है वो लिमिटेड है. सो लिमिटेड पैसे को हम कैसे अलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रोड्स के मेंटेनेंस के लिए, दैट इज डन थ्रू द कंडीशन असेसमेंट. सो कंडीशन असेसमेंट में क्या करते हैं, बेसिकली कंडीशन सर्वेज आर टेकन बाय विजुअल असेसमेंट बाय अ वेल एक्सपीरियंस और ट्रेंड टीम ऑफ एटलीस्ट 3-4 पीपल. सो 3-4 लोग रोड को विजिट करेंगे और जो डिफरेंट डिस्ट्रेसेस हैं वो ऑब्जर्व करते हैं. नॉर्मली इट इज सेट दैट दे विल विजिट द सेक्शन थ्रू विजुअल इंस्पेक्शन बाय वॉकिंग, पर अगर बड़ा सेक्शन है तो दे कैन इवन डू इट इन अ सिटिंग इन अ व्हीकल मूविंग एट अ वेरी स्लो क्रीपिंग स्पीड, धीरे धीरे गाड़ी चलेगा और उसमें वो देखते ऑब्जर्व करते जाएंगे. बट बेस्ट इज़ लाइक यू डू इट बाय वॉकिंग, आप रोड पे चलिए और उसको पूरा रोड को देखिए, यानी नोट डाउन कि कौन सा डिस्ट्रेस है, कितना क्रैकिंग है, कितना पैचिंग है, कितने उसमें पॉट होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे हंगरी सर्फेस है, जो भी डिस्ट्रेसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. So these are measured in percentages for each kilometer length, like how much is the fatty cracking, कितना cracking है, bleeding, depression, so जो भी different distresses हैं वो सारे observe करते हैं. Observe करने के बाद IRC 82 में different distresses के लिए different ratings दी हुई हैं. This is for highways, so this might not be very useful for you guys, but this is the pavement distress rating based on for MDRs and for rural roads. So agar aapka cracking 20% se zyada hai to you will give it a rating of 1 and that will be considered as a poor section. Reveling agar 10 se 20 mein hai to fair hoga, agar potholes 0.5 se kam hai pure section mein per kilometer length mein, so it will be considered as good. Ab isme problem ye hai ki ho sakta hai usme cracking to 20% se zyada ho, but usme
रेवेलिंग हो सकता है 10 से 20% हो और सेटलमेंट और डिप्रेशन लेस देन 2% हो. सो व्हाट पर्टिकुलर रेटिंग यू हैव टू प्रोवाइड, क्योंकि उस केस में अगर सिर्फ मैं क्रैकिंग के बेस पे देखूंगा तो पुअर है, इसके बेस पे देखूंगा तो फेयर आती है और इसके बेस पे देखूंगा तो कंडीशन गुड है. सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज कि आप सारे डिस्ट्रेसेस जब आपने नोट कर लिए कि इसमें क्रैकिंग इतना है, पैचिंग इतना है, पॉट होल इतना है, सेटलमेंट इतना है, डिप्रेशन इतने हैं, ये नोट करने के बाद दे हैव गिवन द वेटेजेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स. सो क्रैकिंग का वेटेज है 1, रेवेलिंग का 0.75, पॉट होल का. सो हर एक के वेटेज फिक्स किए हुए हैं. सो वेटेज फिक्स करने के बाद सो दिस इज द डेटा वेयर इन यू हैव नोटेड डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रेसेस की उस पर कितना कितना क्रैकिंग है. आपकी 9% क्रैकिंग था उस सेक्शन में, 8% रेवेलिंग था. सो उसके हिसाब से जो आपको रेटिंग मिला फ्रॉम द टेबल, जो भी रेटिंग आपको मिला आपने रेटिंग ऑब्जर्व कर लिया एंड देन यू मल्टीप्लाई दीज रेटिंग्स बाय द वेटेज. सो जो वेटेज है वो दिया हुआ है एंड देन यू ऑब्टेन द वेटेड रेटिंग. आपके पास जब वेटेड रेटिंग आ गया, टेक द एवरेज ऑफ दिस वेटेड रेटिंग एंड दिस विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 1.3. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिटरमाइन लाइक वेदर इन विच कैटेगरी इट फॉल्स इन पुअर कैटेगरी, इट फॉल्स इन गुड कैटेगरी और इट फॉल्स इन फेयर कैटेगरी. सो दिस इज हाउ यू बेसिकली डिफाइन. सो यू डू द रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रेसेस, देन यू मल्टीप्लाई दीज रेटिंग्स विद देयर वेटेज फैक्टर्स एंड देन यू गेट द वेटेड रेटिंग एंड टेक द एवरेज ऑफ वेटेड रेटिंग. दैट वुड गिव यू द बेसिक कंडीशन. बट अभी आई थिंक इवन IRCSP 82 हैज ऑल्सो बीन मॉडिफाइड. सो अभी लेटेस्ट IRC में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग इट. सो अभी सो फार इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड. सो माइट बी इन द नेक्स्ट सेशन विल हैव सम डिफरेंट वर्जन ऑफ डूइंग दिस रेटिंग सिस्टम. सो नाउ हाउ डू वी डू द मेंटेनेंस प्लानिंग. सो फॉर रूरल रोड्स इफ योर रेटिंग फॉल्स फ्रॉम 2 to 1 देन यू हैव टू गो फॉर अ पीरियडिक रिन्यूअल. अगर आपका रेटिंग आपने सर्वे किया और आपका रेटिंग 2 से ज़्यादा है तो आप नॉर्मली मेंटेन करते रहिए, बट जैसे ये 2 से डाउन हो रहा है और आपका लोअर साइड में जा रहा है तो देन यू हैव टू डू अ पीरियोडिक ट्रीटमेंट. सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द टाइम नाउ, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेमेंट. सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेसिकली इट इम्प्रूव्स द लेवल ऑफ सर्विस ऑफ द पेमेंट, इट डिलेज द नीड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द or do the savings in the life cycle cost. So how do you select like what type of preventive maintenance is to be done, because you need to delay the further strengthening or any other rehabilitation requirement for the payment. So uske liye hum preventive maintenance karte hain ki road ka condition abhi theek hai, 2-3 saal ho gaye to abhi ispe kuch micro surfacing kar dein ya kuch ispe seal coat kar dein so that you can further delay the further requirements. So existing distresses jo hain uspe jisko treat karna hai aapko, kya डिस्ट्रेसेस इस रोड में आ सकते हैं, आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि कौन किस तरह के डिस्ट्रेसेस में आएंगे, क्या ट्रीटमेंट आपको करना है, क्या टाइमिंग इसके लिए बेस्ट होगा एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट ऑल्सो विद मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. सो मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट रिक्वायरमेंट. सो देर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स दैट आर मोस्टली अवेलेबल. मेजॉरिटी ऑफ दीज आर फॉर द हाई वॉल्यूम रोड्स. सो फॉर लो वॉल्यूम रोड्स लाइक आई थिंक crack sealing, crack filling can be done, even slurry seal or micro surfacing can be done, but these are all again mechanized, it has to be done through a machines. So I'm not sure, even surface dressing, yesterday like Siksha told you about the surface dressing. So I have these details, so I'm not going to discuss each of them, but I'm going to show you one slide like which type of treatment would provide you what type of requirement. So we have 7 different treatments. And if you want to improve the roughness of the road, suppose the road roughness is bad and you want to improve the roughness of the road, then crack sealing and fog sealing will not give you this advantage. So you have to go for either of these options. Similarly, if you want to improve the friction of the road, if your skid resistance of the road is not good, your friction is not good, then you have these 4 options wherein you can use these options and you can improve the frictional characteristics of the pavement. Similarly, if you want to reduce the noise, obviously that would not be a requirement. But if you want to extend the life of the pavement, then all of these would give you the extension in the life of the pavement. So you can defer the requirements for further rehabilitation and further improvement. And similarly, moisture barrier. If you want to prevent the ingress of water into the surface, then
crack sealing, fog sealing, slurry seal and surface dressing, because all these gives you a completely sealed surface. So it does not allow the entry of water into the road surface. So these are the, based on this, like we can define like what type of distress we want to address and what type of benefit I want to get out of it. So accordingly I can determine like what type of treatment I have to provide. So all these have some specific requirements as per the specifications that you can obviously look into. I'm giving this presentation, so this is already you can see, and if any doubts, any queries, you can always discuss. So periodic renewals, the after routine maintenance, after preventive maintenance, and we have also seen the condition rating of the payment. So based on condition rating, and sometimes we also do roughness, and which is considered to be 4000 mm per kilometers. So this could be a triggering point wherein you identify that the road roughness is has gone below or it's higher than 4000 mm per kilometer. At that time you can see that a periodic renewal is required for the payment. So different renewal treatments that are normally available in the case of low volume roads, that is basically single coat or two coat surface dressing. Surface dressing can also be using as a preventive maintenance also. Or you can provide a 20 mm thick premix carpet with seal coat. I told you yesterday that a PMC or a OGPC done without a seal coat would not give you any advantage. So whenever we talk about PMC or OGPC, it is implied that it has to be done with a seal coat. So seal coat ke saath hi karenge, bina seal coat ke karne ka usko koi fayda ya koi advantage aapko nahi hoga. And obviously mixed seal surfacing is other option which you can use or you can adopt as a renewal treatment for the payment. So this was basically for bituminous road. I looked into the operations manual and the rural roads manual to see like how can we maintain the gravel roads. Though it is recommended that gravel roads should be covered with the sealing treatment, but obviously if you have some gravel roads, I'm not sure whether MP has some gravel roads or still you are managing some gravel roads. Okay. So for gravel roads, some additional maintenance you have to do because they require more frequent maintenance compared to what is required for a bituminous pavement. So they require more frequent interventions, and but their interventions are mostly simple and very economical. So isme do tarah ke treatment hum karte hain, routine maintenance. So routine maintenance mein they are basically the patch repairs, grading, dragging and application of dust palliatives. So dust, kyunki obviously gravel roads mein dust bahut udta hai, to us sab ke liye. So frequency, like it can be done either once or twice a year, that is what your operations manual, PMJSY operation manuals says. So grading, basically when you have some defects like loss of shape, or you have some rutting, some potholes, corrugations, some erosion gullies because of the fast movement of water. So all those, to rectify such kind of defects, you can do a grading, and this is basically done by a tractor towed grader and followed by the rolling by 8 to 10 tons smooth wheeled roller with moisture within the range of plus minus 2% of your OMC. So you see the OMC of the surface, and then you compact it with 8 to 10 tons of 3 wheeled roller. And it also says that for traffic more than 100 vehicles per day, more than 2 gradings have to be done per year. So if the traffic is really high, if it is more than 100 vehicles applying on a gravel road per day, then you might have to do it every 6 months or twice in a year, or even more than 2 gradings may also be needed. Dragging is again basically if you have minor defects, minor problems, then you can use the tractor, this broom drag or timber drag, to basically smoothen out the surface. है ना, आपके जो माइनर डिप्रेशंस अगर कुछ हैं, कुछ अनइवननेस है और माइनर डिप्रेशंस हैं, से 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 25 to 30 mm, देन यू कैन ऑब्वियसली यूज़ दिस ड्रैगिंग मेथड, एंड देन यू कैन स्मूदन आउट योर सरफेस बाय, सो इट इज़ डन बाय यूजिंग अ ब्रूम ड्रैग, टिम्बर ड्रैग और कटिंग ड्रैग टोड बाय अ ट्रैक्टर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ वेरी स्लो स्पीड ऑफ 5 to 10 kilometers per hour. पैचिंग, ऑब्वियसली वी नो पैचिंग इज बेसिकली टू फिल दी पॉट होल्स, डिप्रेशंस, जो कुछ भी अगर है उस तरह का, सो यू हैव टू रिप्लेस इट, रिमूव द लूज मटीरियल, देन फिल इट विद अ फ्रेश मटीरियल, एंड देन यू हैव टू कॉम्पैक्ट इट एट दी ओ एम सी प्लस माइनस 2%, दैट इज द रिकमेंडेड
moisture content that is given in the code. And dust palliatives. So obviously, because the gravel roads, to control the dust, you might have to adopt dust palliatives. So there are four types of dust palliatives. One is obviously you can spray the water on the surface so that dust is not there. Then you have the hygroscopic project, which basically attract water. So that can be like common salt or calcium chloride. And then you can also spray emulsion cutback as a dust palliative. And some clay additives are also available, but these days many chemical additives are also available in the market, but I'm not sure, like they must be very expensive because being they are patented products, so they are also very effective in controlling the dust. But again, you have to work out the economics, kitne wo mehenge padenge aapko, kya unka economics hai, vis-a-vis the advantage or benefits jo aapko wo denge. But otherwise, the operations manual says like these are the four types of dust palliatives that can be basically used. And second one is basically periodic maintenance. So periodic maintenance, mein, there is one option like you can do a re-graveling when you have significant defects. Because of that, you have loss of shape or potholes or ruts. So this should be taken before there is any significant reduction in the thickness of the base layer. Agar base layer ki thickness significantly reduce ho, usse pehle aapko ye treatment karna hai. You loosen the material again, fix it and roll it at again OMC plus minus 2%.